वर्षों पहले एक फिल्म आई थी जानी दुश्मन, सुनील दत्त, संजीव कुमार, रीना रॉय वाली मल्टी स्टारर फिल्म। उसके गाने आज भी लोकप्रिय है। उसमें एक मंदिर के पास जाते ही वैवाहिक महिलाएं गायब हो जाती थी। वो फिल्म थी, लेकिन इन दिनों भारत के एक बड़े शहर में वैसा सचमुच में घट रहा है। एयरपोर्ट के आसपास से अचानक महिलाएं गायब होती जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं रसिका और आप देख रहे हैं वीओ न्यूज़। डरावने बनते जा रहे शहर का नाम है हैदराबाद। घटना हैदराबाद एयरपोर्ट की है। एक महीने से भी कम समय में जहां अपहरण की 14 घटनाएं दर्ज हुई है, उसका नाम है साइबराबाद पुलिस स्टेशन। यूं लापता कुछ दूसरे भी हुए हैं, लेकिन महिलाओं की अधिक संख्या होने से कई तरह की चर्चाएं हैं। लोग इसे मानव तस्करी से भी जोड़ रहे हैं। स्थिति की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि अपहरण की ज़्यादातर घटनाएं हैदराबाद एयरपोर्ट के पास हुई हैं। पहली शिकायत पिछले महीने दर्ज हुई। 17 अप्रैल को दसारी मंगम्मा नाम की महिला ने 18 वर्षीय बेटी दसारी सिरिशा की गुमशुदगी की शिकायत की। फिर 18 अप्रैल को तारकनागा प्रमाणिक ने 22 वर्षीय पत्नी प्रिया प्रमाणिक गायब हो गई। उन्होंने बताया कि प्रिया किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत लंबी होते देख उन्होंने टोका। इस पर दोनों की बहस हो गई। अगले दिन वो ऑफिस चले गए, इधर पत्नी घर से गायब हो गई। इसके बाद 19 अप्रैल को मुन्नी मोलाबी नाम की महिला साइबराबाद थाने पहुंची। बताया कि उनके पति शेख रफ़ी बेटी के निकाह में भाग लेने के लिए दुबई से आए थे। निकाह के बाद 15 अप्रैल को वो नंदियाला स्थित अपने घर से हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए निकले थे। वहाँ से उनको सऊदी अरब के लिए रवाना होना था। 16 अप्रैल की दोपहर में किसी अनजान के नंबर से उन्होंने बेटी को फ़ोन किया। फिर इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। 20 अप्रैल को प्रमिला मेनुगला नामक लड़की ने साइबराबाद पुलिस स्टेशन में अपनी मां जगम्मा मेनुगला के गायब होने की शिकायत की। फिर अगली घटना 1 मई 2024 को दर्ज हुई। लालमुनी राम ने बताया कि उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जाने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट पहुँची थी, लेकिन उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। इसी तरह 4 मई 2024 की रात 11:50 पर कट्टा अंजनीयुलु राव की 27 वर्ष की बेटी मलेशिया जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। रात में उसकी फ्लाइट डिले होने के वजह से उसने जानकारी दी। पिता और बेटी के बीच में सुबह 5 बजे तक बातें हुई। इसके बाद बेटी का फ़ोन अचानक से बंद हो गया। इसके बाद वो ना ही मलेशिया पहुंची और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी मिली। फिर 4 दिन बाद 8 मई को सऊदी अरब से हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचते ही कदरियापू सत्यन्ना ने घर वालों से बात की। यही उसकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। अगले ही दिन यानी 9 मई को अमित चक्रवर्ती ने साइबराबाद पुलिस स्टेशन में ही अपनी पत्नी तपा चक्रवर्ती की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके अगले दिन 10 मई को रेकामदार नाम की महिला ने 18 वर्षीय बेटी रेकामदार महेश्वरी के लापता होने की भी शिकायत की। इस तरह 17 अप्रैल से 10 मई तक हैदराबाद एयरपोर्ट के करीब अपहरण की 14 घटनाएं घटने से इलाके में सनसनी हो गई है। इसे लेकर चर्चाएं चल रही है, वो वाकई गंभीर कर देने वाली है। इस पर फौरन गंभीरता से विचार होना ही चाहिए।